कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल, दिस इज सिल्की खन्ना। काफी बच्चों ने आंसर सही दिए एंड फाइनली गुरनूर कालरा आपको बीच कर दिया किसी ने एंड द नेम ऑफ द विनर आई एम गोइंग टू अनाउंस। बिफोर दैट, जो कल के क्वेश्चंस थे बेटा वो थर्ड और फोर्थ आज मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड नाउ टुडेज क्विज, आज आपके सामने फाइव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? पांचों का आंसर आपको एक साथ देना है, अलग अलग आंसर नहीं देना, अलग अलग कमेंट नहीं लिखना बेटा, एक ही में ऑल फाइव आंसर्स। ऑलराइट, सो जो कल के दो क्वेश्चंस थे बहुत बच्चों ने सही आंसर्स दिए, फ्लूट जीनियस, अंजलि, गुरनूर कालरा, नंदिनी, रूही, स्तुति, अमन, मोनिका, मधुस्मिता, सिमरन, दीपांशु, राधा, इंजीनियस आइडियाज। लेकिन जो फर्स्ट थ्री विनर्स आई एम गोइंग टू अनाउंस, फर्स्ट इज दृष्टि बजाज। दृष्टि बजाज ने सबसे पहले आंसर दिया था, बहुत ही जल्दी आंसर दिया। नेक्स्ट इज सोनाली एंड थर्ड वन हिमांशु। ओके, सो दीज आर द विनर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा। एंड क्वेश्चन नंबर थ्री तो बच्चों बहुत इजी था। इफ अ पॉइंट पी 2.3 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो दीज आर द फोर क्वाड्रेंट्स, पी 2.3, यानी दोनों पॉजिटिव है, 2B, 3B। सो वेयर विल इट लाई? इट विल ऑब्वियसली लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो दिस इज, मान लो ये 2 है एंड मान लो ये 3 है, इस तरह से 1, 2, तो 2.3 हो गया हमारा यहां पर कहीं, राइट? तो वो बोले 2.3 पी है हमारा। और व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू? क्यू कहां पर लाई कर रहा है? ऑपोजिट टू इट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ऑपोजिट टू इट, हैविंग इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम बोथ द एक्सिस। यानी इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है एक्सिस से, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है? इसका डिस्टेंस यहां से कितना है? 3 है, तो इसका डिस्टेंस यहां से भी 3 ही होगा। तो अगर ये -1, -2, -3 है तो यहां पर कहीं होगा ये, ठीक है? इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है? 2 है, तो यहां से इसका डिस्टेंस भी 2 ही होगा। तो इस चीज का क्या मतलब है हैविंग इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम बोथ द एक्सिस? कि मतलब जितना इस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों एक्सिस से था उतना ही क्यू का डिस्टेंस भी दोनों एक्सिस से है। सो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्यू? अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है? तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो सेम रहा क्योंकि एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो 2 ही रहा, लेकिन वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -3। सो माय आंसर विल बी 2, -3। सो दिस वाज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। 3 इक्वल क्यूब्स। बच्चों अगर 3 क्यूब्स को हम ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है? 3 क्यूब्स को हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया, लाइक दिस, ये हमारे बन गए 3 क्यूब्स। देखो बच्चों, ये 3 क्यूब्स बन गए और 3 क्यूब्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, दे आर प्लेस्ड एडजेसेंटली इन अ रो, साथ के साथ, एडजेसेंट मतलब बिल्कुल चिपके हुए, बिल्कुल साथ के साथ एक रो में उनको इकट्ठा कर दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूबॉइड। जो एक ही क्यूबॉइड बन गया ना, है ना, टू दैट ऑफ द सम ऑफ द सर्फेस एरियाज ऑफ 3 क्यूब्स। इसका क्या मतलब है कि जो एक हमारा नया क्यूबॉइड बना, नए क्यूबॉइड का जो सर्फेस एरिया है वो, और जो 3 क्यूब्स का सर्फेस एरिया है वो, उनकी रेशियो निकालो, ठीक है? हमें कुछ भी नहीं दे रखा, कोई साइड का मेजरमेंट नहीं, कुछ भी नहीं दे रखा। तो मान लो अगर मैं एक क्यूब की जो एज है वो ए मान रही हूं, तो इसकी भी ए हो गई, इसकी भी ए हो गई, है ना, ठीक है? इसकी हाइट, ये सब कुछ ए हो गया क्योंकि सारी साइज ए ही हुई, क्योंकि ऑल एजेस आर इक्वल ऑफ द क्यूब, है ना? तो जो क्यूबॉइड बना, क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो गई टोटल? क्यूबॉइड की लेंथ 3 हो गई, राइट? लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड कितनी हो गई? अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो जो मेरी लेंथ है वो कितनी हो गई? a+a+a यानी 3 है। ब्रेथ कितनी हो गई क्यूबॉइड की? ये है ना ब्रेथ हमारी, ये होती है, ये तो a ही रही, है ना, तो ब्रेथ a। और हाइट कितनी? ये सारी हाइट्स है, राइट? ये कितनी है? a, राइट? तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 2 into AB + BH + LH, यानी 2 into 3A into A + A into A + L, क्या है मेरा?
3a into a. Okay, तो क्या आ गया मेरा 2 into 3a square plus a square plus 3a square. यानी 3, 4, 4 और 3, 7. 7a square को multiply करेंगे हम 2 के साथ. That means 14a square. ठीक है, 14a square आ गया हमारा cuboid का. और अगर हम तीनों cubes का देखें, एक cube का कितना है surface area? 6a square. तो तीन cubes का कितना होगा? 6a square into 3. है ना बच्चों? सरफेस एरिया ऑफ वन क्यूब कितना है? 6a स्क्वायर. तो इसका मतलब सरफेस एरिया ऑफ थ्री क्यूब्स कितना होगा? 6a स्क्वायर इंटू 3, दैट मींस 18a स्क्वायर. और हमें रेशियो निकालना था, लेकिन रेशियो में ऊपर क्या रखना था? हमें रेशियो में रखना था ऊपर न्यू क्यूबॉइड का एरिया और नीचे रखने थे सरफेस एरिया ऑफ थ्री क्यूब्स. तो इसका मतलब क्यूबॉइड का एरिया क्या है हमारा? क्यूबॉइड का एरिया है 14a स्क्वायर. सो 14a स्क्वायर अपॉन 18a स्क्वायर, यानी 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, यानी 7 अपॉन 9, यानी 7 रेशियो है. सो दिस वाज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. ओके, सो नाउ टुडेज क्विज आई एम गोइंग टू गिव यू 5 क्वेश्चन. बच्चों थोड़ा सा टाइम लगेगा क्वेश्चंस को करने में, आराम से करना. एंड सेकेंडली मैं चैप्टर वाइज दे रही हूँ. आज के जो पांचों क्वेश्चंस होंगे वो पांचों के पांचों क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन योर चैप्टर सेकंड व्हिच इज पॉलीनोमियल्स. ओके, आज के पांचों क्वेश्चंस पॉलीनोमियल पे है. सो हियर आर द क्वेश्चंस. आप वीडियो पॉज करके पांचों के पांचों क्वेश्चंस नोट डाउन कर सकते हो. ओके, सो दीज आर योर 5 क्वेश्चंस. बच्चों मैं आगे से हट रही हूँ और ध्यान देना, ये सेकंड क्वेश्चन में दिस इज 9.9. ओके, दिस इज 2.3. 0.027. यहाँ भी डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल है. ऑलराइट, सो दिस इज रूट 5, स्क्वायर रूट 5. ओके, एंड दैट्स ऑल. सो दीज आर योर 5 क्वेश्चंस. स्टार्ट डूइंग दीज 5 क्वेश्चंस एंड गिव मी आंसर्स इन कमेंट सेक्शन. ऑल द बेस्ट. बाय बच्चों.